हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पॉल हेमन ने कौन सी बड़ी तारीफ की इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन विराट कोहली की। दोस्तों, मेरे पास बहुत बड़ी एंड एक्सप्लोसिव न्यूज है, जो सुनकर आप एकदम शॉक हो जाएंगे। द बीस्ट इनकार्नेट के एडवोकेट पॉल हेमन ने कौन सी बड़ी तारीफ की अपने विराट कोहली की, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। दोस्तों, द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को हमने लास्ट देखा था एट हेल इन अ सेल, जहां पर उन्होंने हेल इन अ सेल का डोर तोड़ दिया था और अटैक कर दिया था रोमन रेंस एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन पर। और रोमन रेंस के टाइम ऑफ के बाद क्राउन जोल में होने वाली है एक न्यू मैच फॉर यूनिवर्सल टाइटल, और वो है ब्रॉक लेसनर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन। पर दोस्तों, आपको पता ही होगा कि ब्रॉक लेसनर WWE के साथ UFC से भी जुड़े हुए हैं। तो फिर डेना वाइट ने कहा कि UFC 230 में DC वर्सेस लुइस के फाइट में, जो है ऑन November 3, वहां पर ब्रॉक लेसनर हो सकते हैं रिंग साइड, और ये मैच होने वाला है मैडिसन स्क्वायर गार्डन न्यूयॉर्क में। और जैसे कि आपको पता है कि क्राउन जोल होने वाला है November 2 को सऊदी अरेबिया में। तो फिर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ब्रॉक लेसनर आएंगे UFC 230 या फिर नहीं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं विराट कोहली के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया की ऑनगोइंग ODI सीरीज चल रही है वेस्ट इंडीज के साथ, और ये सीरीज बराबर हो गई है 1-1 से। और दोस्तों, ये वनडे सीरीज बहुत ही धमाकेदार हो रही है, क्योंकि हमें इसमें वेस्ट इंडीज का एकदम ढांसू परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है। और इंडियन टीम की बात करें तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है विराट कोहली का। दोस्तों, विराट कोहली ने रिसेंटली अपने 10,000 रन कंप्लीट कर दिए सिर्फ 205 इनिंग्स में। और विराट कोहली ने जो सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया सबसे ज्यादा रन बनाने का बाय एन इंडियन बैट्समैन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। करंट ODI सीरीज को देखा जाए तो विराट कोहली 100 पे 100 मार रहे हैं, पर लास्ट गेम में वो हमें जिता नहीं सके। विराट कोहली के लिए स्टार स्पोर्ट्स इंडिया ने ट्वीट किया, ईट स्लीप हिट हंड्रेड्स रिपीट #, किंग कोहलीज एडिड अगेन, वॉच द चेस मास्टर लीड अनदर इंडिया चेस, नाउ ऑन स्टार स्पोर्ट्स #, इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज #, बैटल ऑफ सिक्सेस। और दोस्तों, जैसे आपको पता है कि ईट स्लीप वाला कोट है पॉल हेमन एंड ब्रॉक लेसनर का। तो फिर दोस्तों, पॉल हेमन ने शॉकिंगली इस ट्वीट का रिप्लाई दिया, और उन्होंने रिप्लाई में कहा कि मैं दाद देता हूँ किंग कोहली की फॉर हिज अकम्प्लिशमेंट्स, फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम मैं चला लेता हूँ और माफ करता हूँ स्टार स्पोर्ट्स इंडिया को, क्योंकि इन्होंने मेरा कैच फ्रेज फॉर ब्रॉक लेसनर ईट स्लीप कॉन्कर रिपीट चोरी किया है, यू आर वेलकम। तो दोस्तों, ये पॉल हेमन ने अपने फनी अंदाज में ट्वीट किया स्टार स्पोर्ट्स इंडिया को। और दोस्तों, इस बड़े ट्वीट का रिप्लाई स्टार स्पोर्ट्स इंडिया ने कुछ इस तरह दिया कि कुछ लोग किंग कोहली को द बीस्ट इनकार्नेट भी कहते हैं, पर हम तुम्हें ये बाजी जीतने देते हैं। तो दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग बातें एक्सचेंज हुई ऑन ट्विटर। ब्रॉक लेसनर के एडवोकेट पॉल हेमन ने तारीफ की विराट कोहली की, ये बहुत बड़ी बात है। क्या पता इन फ्यूचर जब ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन इंडिया आएंगे तब विराट कोहली से मिल ले, ये हमें देखना होगा। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप कितने शॉक हुए पॉल हेमन का ट्वीट पढ़कर ऑन विराट कोहली। सो गाइस, प्लीज 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 लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।